और हाँ न्यू, कैसे हो सब? तो बिग बॉस फिर एक बार शुरू हो चुका है और इस बार बिग बॉस ने सोच लिया था कि आजकल कम पड़ रही है, कंपटीशन देना ही पड़ेगा आदि पुरुष को खराब कास्टिंग का। की हाइप जैसे बढ़ गई थी ना कि भाई एल्बी शाह, मैं उनको जानता नहीं था पहले। मैंने उसका वो देखा था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, उन्होंने रोस्ट किया था, उसकी वजह से हमारा टिकटॉक भी बंद हो गया था। तब पता चला था कि वो इस बंदे ने बंद करा दिया तो हमारा कामकाज खत्म हो गया। अच्छा, टिकटॉक और भी आया है? अगर एल्बिश ने टिकटॉक बंद करवाया था तो कैरमिनेट क्या लूडो खेल रहा था? इनसे मिलिए, ये है अभिषेक कुमार, जो कि कागज के आग की तरह है, जितनी जल्दी जलती है उतनी जल्दी बुझ भी जाती है। जब लड़ता है चिपटा कम है, फूकता ज्यादा है और नॉर्मल लोगों को गुस्सा आता है और ये खुद गुस्से के पास जाता है। और इसका फेवरेट डायलॉग है कि मैं ऐसा ही हूँ। भाई ये बंदा प्राइम एग्जांपल है दुनिया के लिए कि कैसा नहीं होना चाहिए इंसान को। दिल से नहीं दिमाग से खेलूंगा। अरे इस चुतिया को कौन समझाएगा कि तू दिमाग से नहीं, दिमाग तेरे साथ खेल रहा है। नॉर्मली लोग बिग बॉस के जाने के बाद गालियां खाते हैं, ये बिग बॉस में बाद में आया, मनीषा रानी की ऑडियंस से गाली खाना पहले शुरू कर दिया। देती है फ्लर्ट सबके साथ, उसका एक टांका भिड़ा हुआ था, क्या है अभिषा एल्विशा। दुख हुआ मुझे इस बिचारे के लिए कि बिचारे के कोई फैन पेजेस नहीं बने, जिसको पता चले कि फैन पेजेस के नाम थे वो, कोई टाका नहीं भिरा। और नॉर्मली बिग बॉस OTT2 बालकों तो लड़वाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही, कैसे एल्विश और अभिषेक को लड़वा इसके मामले में तो रोकना पड़ रहा है उन्हें कि भाई इतना नकली मत लड़। जाऊंगा मैं ऐसी चीजों पे जाऊंगा, फिर आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे, उस चीज को याद रखो। अब मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं उन सब चीजों पे आ गया फिर मत बोलना। जब ये दोनों स्ट्रॉबेरी पोकेमोन स्टेज पे लड़ रहे थे मैं तो यही सोच रहा था, भाई इन दोनों की कनपट्टी गर्म क्यों नहीं करते, मेरे को तो मजा आ जाए। टिकटॉक के कबीर सिंह ने बोल दिया ना कि मेरे को पता ही नहीं था ये आ रही है, नहीं तो मैं कद्दू नहीं आता। घर में रहने के बाद क्या आप लोग कुछ स्ट्रेटजी प्लान करोगे या फिर एक दूसरे की हमारी बात ही नहीं होती है, बहुत टाइम से बात ही नहीं हुई। अभी मैंने 3-4 दिन पहले कॉल किया क्योंकि मेरे को बात करनी थी, मेरा दिल कर रहा था, और फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मत लड़ियो मेरे साथ, हम अच्छे से खेलेंगे साथ। अरे क्या यार, झूठ भी सोच समझ के नहीं बोल रहा था। और उसके बाद ये लोग लाया टीवी सीरियल वालों को, वो भी इतने पुराने, जिन लोगों को टीवी सीरियल वाले भी भूल गए हैं। ऊपर से किसी को बिना मेकअप के पहचानना ना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से इतने दिन बाद दिखी अंकिता लोखंडे। मैंने सोचा पवित्र रिश्ते की अर्चना बीबी में जाके वार्ड मॉम क्यों लग रही है। और इनके साथ आते हैं हैरी पॉटर उर्फ विक्की, अंकिता की पति। Your love and support has made this all happen. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े शो का हिस्सा बनूंगा। I am very very delighted and grateful. Full to Ankita Lokhande. जिनकी जिंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, लोग उनके बीवी के साथ फोटो खिंचवाते हैं और उनको कैमरामैन बनना पड़ता है। और उधर अंकिता लोखंडे बिग बॉस में 200 जोड़े कपड़े लेके गई है, ये कपड़े ही बदलते रह जाएगी और उधर सीजन खत्म हो जाएगा। मुकेश चाचा के पार्टी में जा रहे, माँ वो लोग बुलाए हमें। बेटा पार्टी में मत जाओ, तेरा पास कपड़ा नहीं है, वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। और नेक्स्ट प्रियंका चोपड़ा की बुआ के लिए, जो कि देखने में परिणीति चोपड़ा जैसी लगती है और हरकतें हैं खिचड़ी की हंसा बहन जैसी, और जब बात करती है ऐसा लगता है कि साउथ दिल्ली में बैठ के हंसा बहन बात कर रही है। और इसके बाद है ये लड़की जिसको इंस्टा पे सर्च करो तो आता ही नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्या नाम की इतनी लोग फेमस है, इसको कोई पूछ भी नहीं रहा। और इसके चक्कर में इसकी पति को भी आना पड़ा बिग बॉस, क्योंकि हर क्रिंज हरकतें ये दोनों एक साथ करती है। देखिए देखिए देखिए, नई सर्विस है ये स्पीड बोट जो चलती है स्लो। और इसके बाद आया ये वकील सलीम, लगता है देश में क्राइम कम हो रहा है इसलिए तो ये फ्री टाइम में बिग बॉस आ गई। पिछली बार एमसी स्टैंड विनर बना था तो इस बार भी रैपर को बुलाया गया। जिया, ये है जिया खानजादी, जिनकी जिंदगी में आजादी में नहीं मिली तो अपने नाम में ही आजादी लगा दिया, असल में नहीं जीत पाए तो भसर में आ गए। खानजादी आप यहां से आगे नहीं जा रहे हैं, दिस इज द एंड ऑफ योर जर्नी ऑन हसल 2.0। बाकी इनके अलावा यूट्यूबर्स भी आए हुए, वो तो आने ही थे, यूके 37 राइडर, और मुझे नहीं पता ये कौन है, आप खुद ही देखिए। सामान कितने का है है? तो अंकल जी बता रहे हैं ये सामान 200 रुपए का है, 300 रुपए का है, खरीद ले, ले ले सारा सारा सामान ले ले। मेरा नाम है तहलका भाई, मैं जा जाता हूँ सारा। फिर आया अचानक भयानक, इसको देख के मुझे बहुत फनी लगी, जो हैदराबादी एसेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हिंदी में क्या कहता है, हिंदी में आपको क्या कहता है?
भाई ये गलत बात है, तुम भाभी को सच नहीं बता रहे हो क्या चल रहा है? जिस दिन सच मालूम पड़ेगा उस दिन छोड़ के चल जाती हूँ। और फिर ये लोग लाया मुनर और फारूके को, जो कि लोकअप शो की विनर रह चुका है और इसको एक्सपीरियंस भी है कि कैसे वेसल को हैंडल करते हैं। मुझे तो लगता है इस बार यूके जीरो सेवन राइडर या फिर मुनर और फारूके ही जीतेगा बिग बॉस। अगर वर्ल्ड कप एंट्री में इनसे भी पॉपुलर कोई बंदा आ गया तो फिर मैं नहीं बोल सकता। बाकी आप लोग कॉमेंट करके बताओ की इस बार की शो कौन जीतेगा। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।